बरखासन एक गांव था, वहां के लोग आए और गोस्वामी जी को बहुत विनती किए, महाराज हमारे गांव में कथा कह दीजिए। गोस्वामी जी जाने को तैयार, कथा तो होती थी गांव में, राजापुर में कहीं और नहीं जाते थे। आखिर करते 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 बोले, महाराज हमारे मंदिर का उद्घाटन है, एक दिन को तो चलिए, सुबह से रात तक के लिए चलिए। इतना जब कहा बड़े बड़े महंतों ने आके, तुलसीदास जी बोले ठीक एक दिन के लिए। पहली बार 5 साल बाद ब्याह के, और कहीं नहीं गए। गए चिंता श्री रत्नावली जी को कहा कि मैं बस शाम होने से पहले आ जाऊंगा और तुम अपना ध्यान रखना। गए, अब प्रभु की लीला। इधर तो गोस्वामी जी निकले और आधे ही रास्ते पहुंचे होंगे कि पीछे रत्नावली जी के भाई आ गए भागते भागते। रत्नावली ने देखा मेरा भाई आया है, बिठाया, क्या बात है भैया, बैठो। भाई ने कहा बहन तुरंत चल मेरे साथ। बोले क्या हुआ? बोले माँ के प्राण तेरे लिए अटके हुए, जब से ब्याह हुआ, पहले समय बेटी के घर तो जाते नहीं थे, तो बस माँ एक बार रत्नावली को देख लूं, एक बार बेटी से मिल लूं, एक बार बेटी से मिल लूं। रत्नावली ने कहा कि माता जी को ले आते। बोले नहीं आने की हालत है, कैसी बात करती है तू, चल। रत्नावली ने कहा मेरे पति घर पर नहीं है और अपने पति से पूछे बिना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाई ने कहा माँ के प्राण निकल जाएंगे तब जाएगी क्या? बहुत व्याकुल हो रही है, माँ कह रही है एक बार देख लो, हट पकड़ा है, क्या पता तेरे कारण प्राण अटके हों, तू चल। वो कब तक आएंगे गोस्वामी जी? बोले संध्या तक आएंगे। अरे मैं तुझको संध्या से पहले छोड़ जाऊंगा, तो चिंता मत कर, चल, समझा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जब इतना जोर दिया, कुछ माँ की ममता उत्पन्न हो गई। भक्त माल जी में लिखा है, तिया सो स्नेह बिन पूछे पिता गेह गई। तब रत्नावली ने जाने का निश्चय किया, एक पत्र लिख दिया गोस्वामी जी के लिए, भोजन बना के रख दिया था, पत्र लिख दिया कि ऐसे ऐसे स्थिति है मेरे साथ में, मेरे भाई आए हैं और मैं अपने भाई के साथ जा रही हूं, पूरा प्रयास करूंगी कि मैं लौट आऊं, अगर किसी कारण आज नहीं आ सकी तो कल आ जाऊंगी। इतनी मैं अपराधी हूं, आपसे बिना पूछे जा रही हूं, पर धर्म संकट मेरे साथ है। पत्र रख गई, भोजन रख गई, कह के चली गई। पहुंची, अपनी माँ से मिली, माँ भी स्वस्थ हो गई, बस माँ से मिलके लौटना ही चाहती थी। इतनी देर में तो आंधी तूफान वज्रपात, इतना कि यमुना बढ़ गई, आंधी तूफान, पेड़ टूट टूट के गिरे, अभी भी ऐसे भयानक तूफान आ जाते हैं कभी कभी, अब वो तो पुराना समय था। भाई को कहे चलो, भाई ने कहा देख नहीं रही है कैसा आंधी तूफान, रास्ते में बिजली गिर रही, पेड़ गिर रहे, बहन ये घर तेरा नहीं है क्या? इतनी तेरी उम्र तो यहां बीती है, अब एक दिन पिता के घर नहीं रह सकती तू? वो कहे भाई ये बात नहीं है, मैं कह के नहीं आई, कह के आती तो वो इजाजत दे देते, मैं 4 दिन रुक जाऊंगी, पर बिना कहे नहीं, कोशिश की चलने की, लेकिन रास्ता ही ना दिखे, उमड़ उमड़ के यमुना उमड़ रही है। भाई ने बहुत कहा तुम यहां रहो, कुछ बात होगी तो मैं देख लूंगा, कुछ डांटेंगे कुछ कहेंगे तो मैं सुन लूंगा, मैं कह दूंगा। इतना जब कहा, माँ बाप ने भी कहा बेटी कोई बात नहीं। रत्नावली जी ने कहा चलो रात में तूफान थम जाएगा, मैं सवेरे चल पड़ूंगी, रुक गए। इधर गोस्वामी जी संध्या समय आए हैं और महाराज जो घर को सूना देखा, पूछा रत्नावली चली गई, सारा पत्र पड़ा तो जान तो गए। ओ महाराज स्थिति विचित्र, भक्तमाली जी लिखते हैं, रत्ना घर से क्या
गई ले गई मन का चैन, रचना के बिना तहां लगत न मन अरुने। वो रचनावली क्या गई मानो गोस्वामी जी का, सब कुछ ले गई। अच्छा, संध्या बारिश तो इधर भी पड़ रही थी, गोस्वामी जी भोजन प्रसाद करने बैठे, वो भी नहीं करा जाए, रख दिया, लेट गए। चलो कोई बात नहीं, अब अपने मन से बात कर रहे हैं, ऐसे तो कभी नहीं जाएगी, वो तो परम पतिव्रता है, पर कुछ ऐसी स्थिति होगी, कह तो लिखा तो है कि माँ शायद तबीयत खराब हो, ओ बारिश तूफान हो, इसलिए रुक गई होगी, चलो कोई बात नहीं सवेरे आ जाएगी। अब ये सामान्य व्यक्ति की थोड़ो बात है, आज भी दुनिया में भी कोई ऐसा दीवाना नहीं होगा। अब इतना अगर उद्वेग उठ रहा है तो वो फिर भगवत इच्छा, संसारी भी कोई विषयी पुरुष भी इतना पागल नहीं हो जाएगा स्त्री के पीछे, और वो तो महापुरुष है, तो भगवत इच्छा माननी चाहिए। कई बार गाड़ी कहीं रुकी हो ना और उसको आगे बढ़ाना हो तो कई बार जोर से धक्का देना पड़ता है, फिर जोर से धक्का दीजिए तो मानो इंजन ठंडा पड़ा था गर्म हो गया, चल पड़े, तो जोर से धक्का देने पे फिर धक्का तो लगता ही, करबट बदलते रहे, ठीक है सुबह हो जाएगी, ये हो, आखिर जो 9 10 11 बजे मध्य रात्रि लगा प्राण निकल जाएंगे रत्ना के बिना। और यहां रत्नावली के बिना मरने से अच्छा है कि चला जाऊं, सारा गांव सो रहा है, तुलसीदास जी को नींद नहीं, और जो रात को 11 12 बजे गोस्वामी जी रहा नहीं गया, उठ खड़े, बिजली तड़क रही, मेहा बरस रहे, पेट टूट टूट के गिर रहे, भाग चले, यमुना जी किनारे पहुंच, यमुना जी पार करके बहुत दूर था गांव तारीपतो, कैसे करूं, कोई नाविक नहीं, इतने मेहा में कौन नौका चलाएगा, गोस्वामी जी कूद गए यमुना जी, जैसे पार हो वैसे पार, डूबने लगे, इतना बहाव यमुना जी का कि तैरा ना जाए, बहाव में बहने लग गए, तब भी तैरने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी देर में एक शव बहता हुआ आ गया, उसको तकता समझा, उस शव जो है फूल जाता है पानी में तो बहता है अगर बोझा नहीं हो, जीवित व्यक्ति जल में डूबता है, मरा हुआ व्यक्ति तैरता है, जीवित व्यक्ति डूबता है, क्यों, चूंकि भार प्राणों में है, ऐसे प्राण भारहीन है, पर भार भी प्राणों में ही है, जब तक शरीर में प्राण है तो नहीं तैरेगा, डूबेगा, और प्राण निकल गए तो इतना हल्का हो जाता है कि 100 किलो का शरीर है तो वो भी जल के ऊपर तैर जाता है। उस शव पे ही चढ़ गए, रात में दिखा नहीं, तकता होगा कोई, जैसे तैसे करके पार लगे, भागे जा रहे रत्नावली के प्रेम, भागते 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 ससुराल तो देखी थी जब विवाह हुआ था, पहली बारी आया आज, भागते भागते पहुंच गए, बड़ा घर था भरद्वाज जी का, सब बंद, सन्नाटा, आधी रात कौन जागेगा, मेहा पड़ रहा, क्या करूं, दरवाजा खटकाऊं तो संकोच होएगा, पहली बार ससुराल आए हैं वो भी आधी रात में आए हैं, सोतों को जगा रहे हैं, क्या करूं, तो घर के चारों ओर घूमे तो पीछे देखा कि ऊपर झरोके से रोशनी आ रही है, दीपक जल रहा है, हो सकता है वही होगी रत्नावली। दीवाल का सहारा लेके चढ़ने लग गए, झरोकों का, जंगलों का, खिड़कियों का सहारा लेके, ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है कि झरोके पे सांप लटका था, उसको रस्सी समझ लिया, ऐसे तो रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, लेकिन गोस्वामी जी को उल्टा हो गया, उनको सर्प में रस्सी का भ्रम, सांप में रस्सी का भ्रम हो जाए तो क्या होगा, कि सांप रस्सी में सांप का भ्रम यदि हो जाए तो डसेगी तो नहीं ना रस्सी, क्योंकि रस्सी ही है, आदमी चिल्लाया सांप 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 कह के और पैर पड़ भी गया उसका रस्सी पे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सांप है ही नहीं, रस्सी है, और कहीं सांप को रस्सी मान लिया तो तब तो जान जाने की संभावना है, तो दुनिया को रस्सी में सांप दिखता होगा, इनको सांप में रस्सी दिख रही है, ऐसी तरंग चढ़ी है, सांप पकड़ लिया, चढ़ गए ऊपर झरोके,
अंदर चौक में कमरा था और झरोके से झप से कूदे नीचे। अब कच्चा चौक था, पानी गड़ा तो कीचड़ भी थी वहां पर, कीचड़ में जाके सब शरीर कीच में सन गया कपड़े, और जैसे धप से कूदे आंगन में तो वहीं सो रही थी भीतर रत्नागर। आंख खुली, कौन? दीपक जोड़ा और जो देखे तो कीच में सने हुए गोस्वामी जी। और जय आप यहां कैसे? अरे रत्नावली, मैं तेरे बिना नहीं रह सका, मेरे बिना नहीं रह सकी। हाँ, तेरे बिना मुझे लग रहा था मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे लगा तेरे वियोग में मरने से अच्छा है मैं आ जाऊं। तो यहां कैसे आ गए? दरवाजा नहीं खटकाया? बोले सब सो रहे थे, मन में संकोच भी हुआ तो कैसे आए हो? अरे मैं यमुना पार करके आया। पार करके? नौका तो नहीं मिली होगी? नहीं, तैर के आया। झरोके पे से ऊपर कैसे आ गए? तुमने रस्सी लटकाई थी ना मेरे लिए, तुमने जरूर सोचा होगा कि वो ऐसे आएंगे तो रस्सी। मैंने कोई रस्सी नहीं लटकाई। अब सांप दिख गया, पहले रस्सी में सांप में रस्सी, अब यथार्थ दिख गया, सांप पकड़ के ऊपर आ गए। देखो मैं तुमको इतना चाहता हूं, बस महाराज समझिए थोड़ी देर के लिए तो रत्नावली में गुरुदेव प्रकट हो गए। और फिर जो कहा, अस्थि को ढांचो, ये वचन है पूरे रत्नावली, अस्थि को ढांचो तापे मांस पिंड थूप थूप, नस नस को कस कस के देह दे बंधाए हैं। ये शरीर क्या है सुनिए रत्नावली के मुख से, कहती है अस्थिन को ढांचो, हड्डियों का ढांचा है, और जैसे कोई मूर्ति बनावे, अस्थिन को ढांचो तापे मांस पिंड थूपी थूपी, नस नस को कस कस देह सों बंधाए। ये नस वाली रस्सी से मांस बांधा गया है कंकाल को, अस्थि के ढांचे को, और इसमें भरा क्या है? शोणित श्लेष्मा मज्जा मेद आतड़ी मलमूत्र स्वेद आदि सब भराए हैं। ये शरीर बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा, पर जरा सी ये चमड़ी जरा उधेड़ दे, कोई चाकू से लेके चमड़ी उतार दे, अच्छा फिर ये हाथ देखने लायक रहे। अरे ढको 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 ढको, कोई घाव उघाड़ के बैठ जाए यहां देखा जाएगा। अरे बस 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 बस, अरे कैसी बात करते हो, बस जरा चमड़ी उघड़ जाए कुछ देखने लायक है। आप कल्पना करिए, भगवान ने चमड़ी शरीर पर न चढ़ाई होती, ये शरीर देखने लायक था? ये चमड़ी न चढ़ाई होती, वो तो ठाकुर ने पैकिंग ऐसी बढ़िया कर दी है कि सबरी गंदगी छुपा दी, कहीं ये पैकिंग न हुई होती तो आंत नसें कहीं मल कहीं मूत्र कहीं मलगम कहीं रक्त कहीं मवाद, वो क्या भरा है शरीर के सारे द्वारों से, क्या निकल रहा है भैया? आंख को साफ करो मैल, कान को साफ करो मैल, नाक को साफ करो मैल, सवेरे ब्रश करो गंदगी, मल मूत्र से तो निकल ही रही गंदगी। तो ये शरीर को गंदगी बनाने की फैक्ट्री कह दो तो कोई गलत तो नहीं है? हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया माल खाएं, इस शरीर में क्या बन जाता है? सब गंदगी, नाक से आंख से मुख से। अरे बढ़िया बढ़िया सामान खा रहे, ठीक, मुंह में चबाया और चबा के अभी निकला नहीं, अब उसको उगल दे कोई खा लेगा? अभी बढ़िया लड्डू चबाया था, बढ़िया चाट खाई थी, पकौड़ी खाई थी, मुंह में चबाई और उगल दे,
अरे दूसरा तो कोई खा खाएगा, अपने से नहीं, घृणा हो जाएगी। अरे बस ये पैकिंग ठाकुर गजब कर दिए, उसी में सब लट्टू हुए डोल रहे हैं, वो बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर। क्या कह रही हैं रत्नावली? कहती हैं शोणित श्लेष्मा, श्लेष्म कहते हैं कफ को, मलगम को, शोणित श्लेष्मा मज्जा मेद आतड़ी मलमूत्र स्वेद आदि सब भराए हैं। ये शरीर कभी भी मलमूत्र से खाली नहीं होता, जिसको मलाशय कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं, उसमें मल रहता ही है, कभी भी पूरा मल त्याग नहीं होता, क्योंकि शरीर को जीवित रखने के लिए मल भी चाहिए, मल में भी बल होता है। कोई कहे कि मेरे शरीर से पूरा मल निकल जाए तो वो भी निकल जाएगा। फिर मूत्राशय में हर समय कुछ ना कुछ मात्रा में मूत्र रहता है, पूरा यूरिन, हम कितना यूरिन पास करें, पूरा यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं होता कभी, और पूरा मलाशय भी खाली नहीं होता, भीतर कफ भी रहता है, थूक भी रहता है, मलगम भी रहता है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, मलमूत्र भीतर है, पूरा तो खाली होता नहीं रहता है, कफ मलगम भी रहता है, हम लोग मलमूत्र त्याग के आए तो अपवित्र हो गए, नहाना पड़ेगा, और भीतर मलमूत्र रहता है तो हम अपवित्र क्यों नहीं होते? ये प्रश्न पूछ रहे आपसे, कोई बताइए। मलमूत्र त्यागे तो स्नान करना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, शुद्धि करनी पड़ेगी, पर वो मलमूत्र कुछ ना कुछ मात्रा में तो हर समय शरीर के अंदर रहता ही है, तो शरीर अपवित्र क्यों नहीं होता? कोई देव उत्तर? क्योंकि वह शरीर में था तो हमारे शरीर का अवयव था, शरीर से बाहर जाने पर अब शरीर में वो है तो इसलिए पवित्र है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा है, वो आत्मा इतनी पवित्र है कि उससे मलमूत्र का भी संयोग है तो वो मलमूत्र भी पवित्र है। इस देह में सबसे पवित्र क्या है? आत्मा। हम पवित्र नहीं, ये जब इस शरीर से प्राण निकल गए तो छू के नहाना पड़ेगा कि नहीं नहाना पड़ेगा? छू के नहाना पड़ेगा। तो क्यों जी, क्या कमी हो गई? पहले कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब क्या हो गया? अब भी साथ जियो साथ मरो? बोले नहीं, अब तो ले जाओ, जल्दी ले जाओ, अब तो भूत भय को खाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। तो पवित्र क्या है? पवित्र आत्मा है। तो वो जीवित मनुष्य की देह में आत्मा ने पूरी देह को पवित्र रखा हुआ है, तो वो मलमूत्र भी शरीर के अंदर है, कफ और मलगम भी शरीर के अंदर है, तो उस आत्मा से संयोग है उसका, तो वो मलमूत्र होते हुए भी शरीर अपवित्र नहीं है। और जब उस मलमूत्र को हम त्यागे तो उसका चेतन शरीर से संबंध खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, तब वो मलमूत्र है, तब वो अशुद्ध है। अब हाथ धोइए, अब शरीर शुद्ध करिए, अब साबुन से मांजिए शरीर को। कैसी विधा भगवान, माने पवित्र तत्व तो वो ठाकुर ही है जो भीतर बैठा है। हम लोग देह को पवित्र माने तो इसका मतलब कोई हमारे पांव छू रहा है, आप हमको प्रणाम कर रहे हो तो कौन को प्रणाम कर रहे हो? आप शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे, वो जो भीतर बैठा है उसी को प्रणाम कर रहे। हम मान लें कि हमें प्रणाम कर रहे हो तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, फिर नहीं, हमें प्रणाम नहीं हो रहा, वो जो भीतर तत्व बैठा है उसको प्रणाम हो रहा है। पर महापुरुषों की देह क्यों पवित्र हो जाती है? क्योंकि वो जीते जी इस बात का अनुभव कर लेते हैं, इसलिए महापुरुषों को छुए से स्नान नहीं होता। वृंदावन में कितने महात्माओं का शरीर छूटा है, कोई स्नान करे तो करे, पर महापुरुष का शरीर छूट गया उसको स्पर्श करे सूतक नहीं लगे, क्योंकि देह इतनी पवित्र हो गई, इतना नाम जपे भगवान को भजे तो वो पवित्र नहीं होते महात्मा महापुरुष लोग, शरीर छुए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अभी मार्च में कथा है गीता वाटिका में, भाई जी का अंत्येष्टि स्थल गीता वाटिका के अंदर ही है। आप सोचिए, अंत्येष्टि स्थल तो शमशान में होता है, लेकिन जैसी आज्ञा थी उनके घर में ही उनका अंत्येष्टि स्थल है। और सोचिए, उनका अंत्येष्टि स्थल उनकी धर्मपत्नी रामदेव जी का अंत्येष्टि स्थल, उनकी बेटी का, तीन का अंत्येष्टि स्थल, किसी के सुने घर में अंत्येष्टि स्थल शमशान? भाई जी को भी अग्नि वही दी गई गीता वाटिका, तो उनका घर है, उनकी घरवाली माता जी रामदेव जी और बेटी,
सावित्री जी, तीनों को, और बाबा राधा बाबा को समाधि दी गई, लेकिन अपवित्र नहीं है। अभी तो ऊपर पत्थर लग गया, हमने तो वो समय भी दर्शन किया हुआ है जब ऊपर पत्थर नहीं था तो भाई जी की अस्थियां दिखती थी, क्योंकि अस्थि तो चुनी नहीं गई, वहीं रहे। बड़े बड़े महात्मा आवे परिक्रमा करें, किसी की सुनी अंत्येष्टि स्थल की परिक्रमा? बड़े बड़े सिद्ध महानुभाव आवे और भाई जी कोई ब्राह्मण शरीर नहीं, वैश्य परिवार, मारवाड़ी वैश्य, बड़े बड़े महात्मा आवे परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हैं। हम लोग कथा कहने जाते हैं तो पहले राधा बाबा को, फिर भाई जी के अंत्येष्टि स्थल को प्रणाम करते हैं, वहां दीपक जुड़ते हैं। क्यों जी? शमशान को तो पवित्र माना जाता है, बोले वो भजन की ऐसी स्थिति में भाई जी पहुंच गए कि उनकी देह ब्रज हो गई। तो ऐसे राधा गोविंद को भज लिए कि ठाकुर उनकी देह में खेलने लग गए, खेलने लग गए भगवान उनकी देह में। राधा बाबा नीचे रहते थे, भाई जी को बीपी आदि रहता था, बाद में कैंसर डायग्नोज हो गया, तो फिर भी भाई जी सेवा में लगे रहते। तो बाबा को चिंता रहती कि इतनी 12 बज गए, कमरे की लाइट जड़ी है, आज भी पावन कक्ष है ऊपर जीना चढ़ के, तो वहां रहते थे भाई जी, माता जी का साथ में कमरा, भाई जी का साथ में कमरा, आज भी वो मेज कलम आसन सब कुछ रखा हुआ है भाई जी। तो रात को 12 बज जाते तो बाबा को लगा कि मैं जाके बोलूं भाई जी को, अब तो सो जाएं, फिर सुबह उनको 3 उठना, 1 बज गया अभी तक लाइट जुड़ी है, लिखते ही रहते थे कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो गए बाबा ऊपर चढ़ के जीने से, तो दरवाजे की कुंडी लगी थी अंदर से, भाई जी थे तो उनको लगा कि लाइट जला के तो सोते नहीं है, या तो बैठे बैठे सो गए हैं, पर आवाज भी आ रही थी अंदर से, तो सो गए हैं कि नहीं सो गए। तो खिड़की की जरा सी झिरी खुली हुई थी, अब महापुरुषों की बातें भैया, तो जरा खिड़की हटा के देखा कि क्या कर रहे हैं, तो क्या देखे कि भाई जी तो लेटे हुए हैं और वो जो लिखने वाली मेज है उस पे स्वयं श्री कृष्ण बैठ के लिख रहे हैं। कल्याण पत्रिका चाहती ना तो उसका काम करना होता, तो मोर पंख लगा के ठाकुर जी तो लिख रहे हैं, भाई जी लेटे पड़े और चुप नीचे उतर गया। फिर उसके उस दिन के बाद कभी कुछ कही नहीं, बोले अब इनमें प्रभु में कोई भेद रह नहीं गया, अब इनके रूप में ठाकुर जी खेल कर रहे हैं, जब तक खेल करेंगे तो करेंगे, अपने को जितना लाभ लेना है ले लो। आह कौन वर्णन करे, तो इस देह की स्थिति है। आज रत्नावली क्या कह रहे, अस्थिन को ढांचो तापे मांस पिंड थोपी थोपी, नस नस को कस कस के देह सो बंधाए हैं, शोणित श्लेष्म मज्जा मेद आतड़ी मल मूत्र स्वेद आदि सब भराए हैं, ऐसे ऐसे घृणित पदार्थ से ये भरी देह, ये रत्नावली कह रही है, ऐसे ऐसे घृणित पदार्थ से ये भरी देह, ऊपर सो मात्र गोरी चमड़ी चढ़ाए हैं, या में कौन वस्तु आकर्षण की कहो नाथ, या में कौन वस्तु आकर्षण की कहो नाथ, जो पे आप इतनी रात दौड़े दौड़े आए। इस देह में कौन आकर्षण की वस्तु है, ये मल भरा मूत्र भरा कब भरा मवाद भरा इस देह के पीछे आए हो, धिक्कार है तुम्हें, कभी नहीं बोली थी
वो तो नजर उठा के बात नहीं करती थी, बड़ी पति कभी नहीं बोली थी, आज जाने क्या होगा। बोली धिक्कार है तुम्हें, राम भक्त कहते हो अपने आप को, रामायण करते हो, राम राम, धिक्कार है तुम्हें। हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत, तिसु आधी जो राम प्रति तो अवसी कटति भव भी। हाड़ मास की देह में इतना प्रेम कर लिए, अरे इससे आधा प्रेम रघुनाथ में किया होता तो तुम भी भव सागर से तर जाते, मैं भी भव सागर से तर जाता, धिक्कार है तुम्हें। वही कीचड़ में सने खड़े हैं मूर्ति, चुप सुन रहे हैं, रत्नावली बोलती जा रही है। आज लग रहा है तुलसीदास जी को कि रत्नावली नहीं बोल रही, इसके मुंह से मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ज्ञान के चक्षु खुल गए, हाथ जोड़ के और उस समय गुरु कह के संबोधित किया रत्ना, हे गुरुदेव तुमने मुझे जगा दिया, ठीक है, अब किसी देह से प्रेम नहीं करूंगा, अब रघुनाथ से प्रेम, अब देह में नहीं अटकूंगा, अब देही में अटकूंगा, जो सब देहधारियों के भीतर चेतना बन के बैठा है, अब उसी को प्रेम करूंगा, अब देह को प्रेम नहीं करूंगा। उसी समय चल पड़े और जैसे गोस्वामी जी उसी अवस्था में, अब हल्ला हुआ, चीखना पुकारना तो घर के लोग भी उठ गए, माता पिता भी उठ गए, भाई भी उठ गया, देखे कुछ कहा सुनी हो गई, पर गोस्वामी जी देखे नहीं किसी को, सब रोकते रुकिए रुकिए रुकिए, गोस्वामी जी तेज गति से बाहर निकल गए। भाई दौड़ा दौड़ा आया रत्नावली के पास, क्या हुआ बहन, क्या हुआ क्या हुआ। जब गोस्वामी चले गए तब रत्नावली ने कहा, ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या कह दिया, हाय नाथ चले गए, मैं हाय क्या क्या कह गई, मती लोक लाज मर्यादा में मैं बह गई, हाय नाथ चले गए, मैं मुख से क्या क्या कह गई, वे परमार्थ पथ पर चल पड़े, मैं स्वार्थ सनी ही रह गई। रुको रुको, चले गए, रुको रुको रुको, पीछे पीछे भाग रहे हैं, पर गोस्वामी जी द्रुत गति से क्या गाते जा रहे हैं। इस समय का एक पद है गोस्वामी जी का, विनय पत्रिका का, बहुत काम का पद है वो, इस समय गोस्वामी जी ने गाया है, आप सब गाइएगा इस पद को, गान करे से मन में वैराग्य बढ़ता है, ऐसा संतों का कहना है। गोस्वामी जी ने इस समय यह पद गाया है, पीछे पीछे लिवाने जा रहे, सुन नहीं रहे क्या गाते जा रहे। अब लो न सानी अब नान से हो, अब लो न सानी अब नान से अब लो न सानी अब नान से अब लो न सानी अब नान से हो राम कृपा भवनी सासिरानी राम कृपा भव निसासिरानी जागे फिर ना डसे हूँ जागे फिर ना डसे हूँ पायो नाम रूप चिंतामणि पायो नाम रूप चिंतामणि उर करते न खसे करते नाख से हो अब लो न सानी अब नान से हो अब लो न सानी अब नान से हो
श्याम रूप सुची रुचिर कसौटी, श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी, श्याम रूप सुची रुचिर कसौटी, श्याम रूप सुची रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, चित कंचन ही कसे हो, परबस जान हसो इन इंद्रिन, परबस जान हसो इन इंद्रिन, परबस जान हसो इन इंद्रिन, परबस बस है ना हसे हो, अब निज बस है ना हसे हो, मन मधुकर पन कर तुलसी, मन मधुकर पन कर तुलसी, प्रण कर तुलसी, प्रण कर तुलसी, मन मधुकर पन कर तुलसी, मन मधुकर प्रण कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो, 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 अब लो नसानी क्या कह रहे हैं, अब लो नसानी, अब तक जिंदगी नष्ट कर दी पर अब ना नसे, अब जो हो गया सो हो गया, अब जीवन को नष्ट नहीं करूंगा, अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, प्रभु की कृपा से अब अमावस की रात बीत गई, भव निशा बीत गई, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न नसे हो, रात बीत गई सवेरे उठ गए फिर सो गए ना, अब जागने के बाद फिर तो दोबारा नहीं सोऊंगा, पायो नाम रूप चिंतामणि, मुझे गुरुदेव ने नाम वाली चिंतामणि दी, उर करते न खसे हो, अब इस नाम वाले धन को न तो हाथ से जाने दूंगा और न हृदय से जाने दूंगा, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, जो मेरे ठाकुर जी का रूप है सांवला रूप है, ठीक, तो जो सांवला रूप है ना वो कसौटी है, और मेरा चित्त भजन करते करते कितना सोना बना, बोले सोने की परख कहां होए, कसौटी पे, तो ये चित्त सोना बना कि नहीं बना इसकी परख कहां होएगी, जब काले कसौटी के रंग जैसे ठाकुर जी के रूप में मन लगेगा, अब चित कंचन ही कसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, पर बस जान हस्यो इन इंद्रिन, मुझको अपने वश में जान के इन इंद्रियों ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, आंखों ने हंसी उड़ाई, कभी जीभा ने हंसी उड़ाई, कभी नाक ने, माने ये इंद्रियां मुझे जैसे नचाना था नचाती रही, जो देखने को कहा मैं वही देखने लगा, जो खाने को कहा वही खाने लगा, पर बस जान हसो इन इंद्रियों, लेकिन अब निज बस है न हसे हो, अब इंद्रियों को अपने बस में रखूंगा, हंसने नहीं दूंगा अपने पर, अभी तो आंख मुझ पे हंसी, नाक मुझ में हंसी, जीभा मुझ पे हंसी, पर बस जान हसो इन इंद्रियों, निज बस है न हसे हो, क्या करूंगा,
बोले मन मधुकर पन कर तुलसी। अब इस मन वाले भमरे को मन मधुकर प्रण कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे। अब ये मेरा मन वाला भंवरा जो भटक गया था, कभी किसी गंदगी पे बैठता था, कभी किसी गलत वस्तु पे, अब नहीं। अरे भंवरा तो कमल पे बैठता है, तो मेरे सीताराम के चरण कमल के जैसे हैं। अब तुलसीदास अपने मन को भंवरा बना देगा और सीताराम के चरण कमल के मकरंद का पान ही मेरा मन रूपी भ्रमर करेगा, अब और किसी चीज का पान नहीं। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब लो नसानी, अब पीछे पीछे रत्नावली जी का भाई पैर पकड़ लिया, गोस्वामी जी माफ करो, सब गलती मेरी है, रत्नावली नहीं आना चाहती थी, मैंने हटकी, माँ की तबीयत खराब हो रही थी, मुझे डर लगा माँ के प्राण न छूट जाए, माँ ने कहा था इसलिए मैं ले आया। अभी चलिए, आप जो कहना है मुझे कहिए, बहन को कुछ मत कहिए, सवेरा होने दो, हम आपको बहुत सम्मान से विदा करेंगे। आप तो ब्याह के बाद पहली बार ही तो आए हो, आप तो कभी आए नहीं, हम लोग को खातिर करने का भी समय नहीं मिला कभी। अब आप खूब विराजो, सवेरे बहन के साथ हम विदा करेंगे आपको। अभी तो रात हो रही है, कपड़े भीग गए आपके, नहा लो, कपड़े पहन लो, अभी विश्राम करो, सवेरे विदा करेंगे, अभी सोने का समय है। गोस्वामी जी क्या कहें, सोने का समय नहीं रहा, अब तो जागने का समय, अब सोने का समय। बहुत कही, गोस्वामी जी माने नहीं, चले गए। रत्नावली का भाई रह गया गिर के, तुरंत लौट करके आया, रत्नावली वहीं खड़ी है, जैसे थी वैसी खड़ी है। तुरंत भाई आया, रत्नावली पूछ रही क्या हुआ। अरे कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, तू हमारे साथ रह, हमारे तो एक ही बहन है, हमारे साथ रह, घर में कोई कमी नहीं, तुझे कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे। हो सकता है गोस्वामी जी को थोड़े दिन गुस्से की बात होती है, आ जाएंगे। मैं ये नहीं पूछ रही मुझे कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, ये पूछ रही मेरे प्राणनाथ लौटे कि नहीं लौटे। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अब लो नशानी, अब ना नशे, कह रहे अभी तक की जिंदगी नष्ट कर दी, अब नष्ट नहीं, तो हाय वो नहीं लौटेंगे क्या। पढ़िए भक्त माल बंधो, जैसे सुना नहीं लौटेंगे, रत्नावली ने उसी समय शरीर छोड़ दिया, तक्षण शरीर छोड़ दिया। प्रियादास जी कहते हैं वो रत्नावली कोई स्त्री नहीं है, वो तो भगवान की कोई कृपा करुणा ही जीवन में आई थी। शायद गोस्वामी जो जो जगत का कल्याण कर पाए जीवन में, वो शायद रत्नावली वाली घटना न हो तो इतना उफान जीवन में ना आ जाए। गोस्वामी जी चले गए और प्रयागराज में जाकर के गृहस्त वेश का त्याग कर दिया और वहीं पर विरक्त वेश धारण कर लिया है।